नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर हंटर। करते हैं शुरुआत आज की प्रमुख खबरों से। खबर मध्य प्रदेश के मंडला से। पुलिस अधीक्षक के चैम्बर में आरक्षक एवं उसके बाहरी मित्र पी रहे थे शराब। मंडला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पदस्थ आरक्षक अपने मित्रों के साथ बीती रात से सुबह तक पुलिस अधीक्षक के चैम्बर में खुलेआम शराब पी रहे थे। जब आज सुबह पुलिस अधीक्षक कार्यालय के स्टाफ 10 बजे कार्यालय पहुंचे, तो वहां का नजारा कुछ और ही था। वहां पुलिस अधीक्षक के चैम्बर में आरक्षक एवं अन्य तीन लोग शराब ही पी रहे थे। तभी स्टाफ को देख अन्य बाहरी तीन लोग वहां से भाग गए, किंतु आरक्षक वहीं रह गया। तभी इस बात की जानकारी स्टाफ द्वारा पुलिस अधीक्षक को दी गई और थाना कोतवाली मंडला से बल बुलवाकर शराब के नशे में धुत आरक्षक को पकड़ जिला चिकित्सालय ले जाया गया। वहां चिकित्सक द्वारा शराब के नशे में धुत आरक्षक का MLC करवाया गया और आरक्षक से पूछताछ कर अन्य बाहरी तीन फरार आरक्षक के मित्रों को भी कोतवाली पुलिस ने पकड़ हिरासत में ले लिया। शराबियों द्वारा पुलिस अधीक्षक चैम्बर से फोटोकॉपी मशीन भी चुराने का प्रयास किया गया, तो अन्य सामग्री के साथ छेड़छाड़ और तोड़फोड़ की गई, जिसकी पुलिस जांच चल रही है। बताया जाता है कि आरक्षक रात्रि के समय पुलिस अधीक्षक कार्यालय में ड्यूटी करता था। सुप्रीम पावर हंटर न्यूज के लिए मंडला से राज कौशिक की रिपोर्ट। यहाँ रात में जो रहता है आरक्षक, उसके द्वारा दारू पीने की शिकायत आई थी, तो तत्काल यहाँ पे आके उसको।